गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं जादूगर अमल तुर्राजी ट्रूथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ एक जादू, जो एक रसा जादूगर के उंगलियों का इशारे पर खड़क बन जाता है, एक डंडा जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको जादू दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य का खुलासा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की ओर। तो दोस्तों, हम इस जादू के रहस्य की ओर चलते हैं। उससे पहले, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला 1000 से ज़्यादा जादू और उसके रहस्यों का खुलासा करने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर और सबसे पहले वो मिलता रहे। तो दोस्तों, इसकी रहस्य की ओर चलते हैं। तो आज मैं इसको खोल करके आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो रस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये रस्सा जैसे आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक मोटा रस्सा नहीं है। इसके एंड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा एक फ्लैट रसा है। फ्लैट है ये, ऊपर ऊपर से धागे से बनाया हुआ रसा है और इतना मोटा चीज आराम से इसके अंदर जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है डाला हुआ वो हम देख लेते हैं। अभी मैं निकाल देता हूं, उसको निकाल कर दिखा देता हूं। ये है दोस्तों, इस रसे के बीच वाला जो होल है उसके अंदर डाला हुआ गिमिक, जिसको कहते हैं। इस साइड में ये ऐसा घूम जाता है ना, लेकिन जब दूसरे साइड में आ जाता है तो कड़क बन जाता है ऐसे, क्योंकि यहां पर टैप चिपकाया हुआ है, दूसरे साइड में फ्री है ऐसे। ये जो चीज है, आप एक प्लास्टिक के एक छोटा सा पाइप से बना सकता है। प्लास्टिक का पाइप लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट दीजिए और उसके एक साइड में थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए, घिस करके। वो काटने से पहले करना है, और वहां पर एक टैप इस तरह से मजबूती से चिपका दीजिए, और इस तरह का रोप लेकर के, ऐसा रोप लेकर के जिसके बीच में होलो है, उसके अंदर इसको घुसा दीजिए। ऐसा लेने के बाद जहां पर ये प्लास्टिक खत्म हो जाता है, वहां पर
ऐसे एक सफेद धागा लेकर के इसके एंड पर मजबूती से बांध दीजिए।